बात फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कुलसुम, हो सकता है कि मलिहा फहाद की तरफ गई ना हो, वो दवाई खा के सो गया हो। अगर मलिहा फहाद के पास नहीं गई है, स्कूल से भी निकल चुकी है, तो फिर अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है? मेरा दिल बहुत क्या बुरा रहा है। अम्मी, या अल्लाह, मुझे नहीं, मेरी बच्ची कहाँ रह गई है? अब्बा, काश साकिब होता तो वो भाग दौड़ कर लेता मेरे लिए। अब मैं किसको कहूंगी कि वो मेरी मलिया का पता करे? उसकी ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अगर ना होती ना छुट्टियां खत्म, तो मैं उसको जाने ही ना देती गुलसुम। इसीलिए घर में मर्द का ना होना भी ना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को साथ खैरियत से वापस घर भेज दे। आमीन। मलिया आ गई, मलिया आ गई, मलिया आ गई। मलिया, खाला खाला, वो मलिया आप ही को दो आदमी गाड़ी में डालकर ले गए। क्या तुम झूठ कह रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मैंने चुपके सब देखा। दो आदमी तो उनको गाड़ी में डाल के लेके गए, और उनके साथ फहद भाई भी थे। फहद? फहद उन आदमियों के साथ में था? अरे नहीं नहीं, वो तो मलिया आप ही के साथ में थे। मलिया, अम्मी, अम्मी, तुम जाओ बस, ठीक है? अम्मी, आज मलिया, संभालो खुद को, मलिया, अम्मी संभालो खुद को।